हाय गाइस, फिर से मैं आपके लिए एक ट्रेंडिंग स्टेटस वीडियो लेकर आ चुका हूं। अभी जो आपने प्रीव्यू में वीडियो देखी, ऐसी स्टेटस वीडियो आज की वीडियो में मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, जो बड़ी कड़क एंड धमाकेदार होने वाली है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो नीचे लाल बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो बिल्कुल फ्री है, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी न्यू वीडियो लेकर आते रहते हैं। और ये इंस्टाग्राम पे बहुत ट्रेंड में चल रहा है स्टेटस वीडियो। चलिए गाइस, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है काइन मास्टर। वो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके उसे यूज़ कर लेना। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट कर, यहाँ पे आपको क्रिएट न्यू पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपको 9x16 ऐसे सेलेक्ट करके नीचे चले जाना होगा। यहाँ से आपको इनपुट प्रोजेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आपको जो प्रोजेक्ट को इनपुट कर देना होगा। तो मैं यहाँ पे करके आपको दिखा देता हूँ, ये रहा मेरा प्रोजेक्ट। इस पर जैसे क्लिक करूँगा ये रीडर होके कैन मास्टर में ओपन हो जाएगा। ये देखिए गाइस, ये ऐसे ओपन होगा। उसके बाद आपको दोनों उंगलियों से इसको बड़ा कर लेना है। ये देखिए, ऐसे आपको जो है बड़ा कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो ब्लैक बैकग्राउंड नज़र आ रहा है इस पर आपको इमेज ऐड कर लेनी है, और जो ये अलग बैकग्राउंड नज़र आ रहा है इस पर आपको वीडियो ऐड कर लेनी है। इन वीडियो की आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे, मैं इस वीडियो को ऐड कर लेता हूँ और उसके बाद बताता हूँ आगे आपको क्या करना है। जैसे क्लिक करूँगा यहाँ पर मैं जो इस वाली वीडियो को ऐड कर लूँगा। उसके बाद आपको इस पर क्लिक करके इस पर आपको इमेज ऐड कर लेनी है। तो मैं इस पर आपको इमेज ऐड करके दिखा देता हूँ। उसके बाद आपको इस पर भी क्लिक कर लेना है, इस पर क्लिक करके आपको फिर से इमेज ऐड कर लेनी है। यहाँ पे मैं इस इमेज को ऐड कर लेता हूँ, फिर से आपको इस पर क्लिक करके इमेज ऐड कर लेनी है। ऐसे आपको इमेज ऐड कर लेनी है। उसके बाद आपको जो इसमें सारे में आपको जो इमेज ऐड कर लेनी है। जैसे आगे जाएंगे यहाँ पे आपको ये बैकग्राउंड नज़र आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करके फिर से आपको वीडियो एडिट कर लेनी है। इन सब वीडियो की आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अब वहीं से इसे डाउनलोड कर लेना। तो मैं इस वीडियो को एडिट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको इस पर क्लिक करके इस पर आपको जो दूसरी वीडियो एडिट कर लेनी है। ये देखिएगा, उसके बाद आपको आगे चले जाना है। आगे जाके फिर से आपको इस पर वीडियो एडिट कर लेनी है। तो इस पर भी मैं लास्ट वीडियो एडिट कर लेता हूँ। उसके बाद साइन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, फिर से आपको इस पर क्लिक करके आपको इमेज एडिट कर लेनी है। तो यहाँ पे आपको इस पर जो क्लिक करके इमेज एडिट करके दिखा देता हूँ। उसके बाद आपको इस पर क्लिक करके फिर से आपको इमेज एडिट कर लेनी है ऐसे। तो गाइज, मैं सब पे इमेज ऐड करके उसके बाद आपको बताता हूँ आगे आपको क्या करना है, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इनमें आपको क्लिप ग्राफिक कैसे ऐड कर लेना है, इस पर तो पहले से ऐड है वीडियो पे। इस पर क्लिक करके आपको क्लिप ग्राफिक में चले जाना है। यहाँ से आपको स्वीट लाइन में चले जाना है, इसमें आपको 5 नंबर ऐड कर लेना है। सानार ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, फिर से आपको इस पर क्लिक करके इन एनिमेशन में आपको चले जाना है। इन एनिमेशन में जाके आपको नीचे चले जाना है, नीचे जाके आपको ये वाला 24 नंबर ऐड कर लेना है। उसके बाद आपको फिर से इस पर क्लिक कर लेना है, फिर से आपको जो सॉरी गाइस, इस पर क्लिक करके आपको क्लिप ग्राफिक में चले जाना है। फिर से आपको इन एनिमेशन में चले जाना है, 24 नंबर में चले जाना है। यहाँ पर आपको फिर से 24 नंबर ऐड कर लेना है। इस पर क्लिक करके फिर से आपको जो क्लिप ग्राफिक में चले जाना है। यहाँ से आपको फिर से एनिमेशन में चले जाना है और वही 24 नंबर ऐड कर लेना है। ये 24 नंबर आपको कहाँ तक ऐड कर लेना है वो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ फ़ोटोज़ में आपको ऐड कर लेना है। यहाँ से जैसे आगे जाएंगे,
यहाँ तक आपको जो है वीडियो तक, वीडियो से पहले यहाँ तक आपको 24 नंबर एड कर लेना है। उसके बाद आपको इस वीडियो को छोड़ देना है, इन वीडियो को छोड़ के उसके बाद आप जो ये पिक आएगी जिसकी बड़ी लेंथ है, इस पर क्लिक करके आपको फिर से क्लिक ग्राफिक में चले जाना है। फिर से आपको जो है इन एनिमेशन में चले जाना है। इन एनिमेशन में जाके यहाँ से आपको जो है 33 नंबर इफेक्ट ऐड कर लेना है, ये वाला। उसके बाद साइन नंबर साइन पे क्लिक कर देना है। फिर से आपको इस पर क्लिक कर लेना है, क्लिक ग्राफिक में चले जाना है। यहाँ से आपको फिर से स्वीट लाइन में चले जाना है। स्वीट लाइन में जाके, सॉरी गाइस, आपको स्वीट लाइन में चले जाना है। मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर, ये रहा। उसके बाद आपको नीचे चले जाना है, 19 नंबर ऐड कर लेना है। फिर से आपको इस पर क्लिक करके फिर से आपको जो है स्वीट लाइन में चले जाना है। फिर से आपको 19 नंबर ऐड कर लेना है। फिर से इस पर क्लिक करके आपको स्वीट लाइन में चले जाना है। फिर से 19 नंबर ऐड कर लेना है। इस पर क्लिक करके फिर से आपको जो है स्वीट लाइन में चले जाना है। इसमें फिर से आपको 19 नंबर ऐड कर लेना है। तो ये 19 नंबर आपको वीडियो के लास्ट तक ऐड कर लेना है। मैं ऐड करके दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको बताऊँगा आगे आपको क्या करना है। तो गाइस यहाँ पे मैंने सब में इफेक्ट लगा लिया। उसके बाद आपको जो स्टेटस वीडियो बन के तैयार हो गई। अब मैं आपको चला के दिखा देता हूँ कि कैसी स्टेटस वीडियो बनी है। जैसे मैं ओपन करता हूँ, आप भी आसानी से बना सकते हो। थैंक यू गाइस।